वाटर टैंक लाया जाता है जिसके अंदर कोई क्रीचर बंद था और उसे कर्नल रिचर्ड नाम का एक आर्मी ऑफिसर अपने साथ लेकर आया था। इसीलिए जेल्डा और एलिसा को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लैब में रिचर्ड घायल हो जाता है। ये देखकर एलिसा और जेल्डा बहुत डर जाती हैं। फिर जब वो दोनों खाना खा रही होती है तभी डॉक्टर फ्लेमिंग उन्हें अपने साथ लैब में चलने के लिए कहता है। जब वो लैब में पहुंचती हैं तो उनके चारों तरफ खून ही खून होता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी डर जाती हैं। इसके बाद फ्लेमिंग उन दोनों को जल्दी से जल्दी वो लैब साफ करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी सफाई करते समय एलिजा को कटी हुई दो उंगलियां मिलती हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि रिचर्ड की होती है। उन्हें देखकर जेल्डा काफी घबरा जाती है और डॉक्टर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए जाती है। तभी एलिसा को टैंक के अंदर बंद वो क्रीचर दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल इंसान की तरह दिख रहा था। इसीलिए उसे देखकर वो काफी हैरान होती है। अगले दिन फिर से एलिसा अकेले ही उस क्रीचर के पास पहुंचती है और देखती है कि उस क्रीचर को एक चैन से बांध कर रखा गया है। इस दौरान एलिसा अपने साथ एक अंडा भी लेकर आई होती है, जिसे वो उस क्रीचर को खाने के लिए देती है। हालांकि पहले तो वो डर रहा होता है, लेकिन फिर देखते ही देखते वो उस अंडे को ले लेता है। फिर जब एलिसा रूम से बाहर निकलती है तो जेल्डा उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि हम दोनों को रिचर्ड ने बुलाया है। इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचते हैं। पहले तो वो जेल्डा के काले होने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो उन दोनों को समझाता है कि तुम लैब साफ करने के बाद यहाँ से चुपचाप निकल जाया करो, क्योंकि लैब के अंदर जो भी चीज है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसे मैं साउथ अफ्रीका की नदी से यहाँ तक लाया हूँ और हम दोनों ने यहाँ आते समय बहुत वक्त एक साथ बिताया है, इससे मुझे पता चला कि वो चीज बहुत ही खतरनाक है। हालांकि वहाँ के लोग इसे ईश्वर मानते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर इंसानों की तरह दिखते हैं, ना कि किसी जानवर क्रिएचर और एलियन की तरह। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो क्रिएचर एलिसा का धीरे धीरे एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, क्योंकि एलिसा हर रोज उसके खाने के लिए अंडे लेकर आती है, इससे वो काफी खुश रहता है। इसके बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जो छुपकर रशियन लोगों से मिल रहा था, जिससे ये बात पता चलती है कि वो एक स्पाई है, यानी कि जासूस। फिर अगले दिन जब एलिसा लैब में पहुंचती है तो देखती है कि वो क्रिएचर पानी से बाहर बंधा हुआ है और काफी घायल है। इस बात से एलिसा काफी घबरा जाती है। तभी उसे वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए वो लैब में ही छिप जाती है। फिर वो देखती है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड होता है, और वो फिर से उसे टॉर्चर करने लगता है। इस बात से वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि रिचर्ड उसे लगातार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। इसके बाद वहाँ पर जनरल होएट आता है, जो उस क्रिएचर को देखकर काफी खुश होता है। इस दौरान रिचर्ड उन्हें बताता है कि इसे अमेज़न के लोग भगवान समझते हैं, लेकिन ये एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है जो पानी में रहता है। हालांकि डॉक्टर रॉबर्ट उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों कंडीशन में सांस ले सकता है, इसीलिए हम इसे रूसियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो कहता है कि ऐसा तो मेंढक भी कर लेता है, इसीलिए इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर रॉबर्ट उसे पानी में डालने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। फिर रिचर्ड जनरल होइट से उस क्रिएचर का ऑपरेशन करके उसे चेक करने की परमिशन मांगता है, इससे वो उसके शरीर की बनावट को समझ सके। हालांकि रॉबर्ट जनरल उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी बातों को सुनने से साफ इनकार कर देता है और ऑपरेशन की परमिशन दे देता है। ये बात सुनकर एलिसा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो घर पहुंचकर गिल्स से इस बारे में बताती है और उनसे मदद मांगती है, और उसे क्रिएचर के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि मुझे उसे बचाना होगा, लेकिन गिल्स इस चीज के लिए इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मदद करने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन फिर भी गिल्स वहाँ से चला जाता है। इस बात से एलिसा बहुत ज्यादा दुखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल्स वापस से एलिसा के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज को बचाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर एलिसा बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट को रेसियंस एक बम देते हैं और साथ ही साथ एक इंजेक्शन भी देते हैं, जिससे वो किसी भी इंसान को बेहोश कर सकता था। इधर एलिसा और गिल्स ये प्लान बनाते हैं कि गिल्स कार लेकर लैब में पहुंचेगा और 5 मिनट के अंदर उस क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाएगा। हालांकि इस दौरान वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। इसके बाद एलिसा जब रिचर्ड के केबिन की सफाई कर रही होती है, तब वो उसके पास पहुंचता है और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसा वहां से भाग जाती है। इसके बाद एलिसा लैब में पहुंचकर कैमरे को ऊपर कर देती है।
इधर रॉबर्ट रिचर्ड के पास पहुंचता है और उसे क्रीचर का ऑपरेशन करने के लिए मना करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस चीज में बिना कारण के वो मर सकता है। इसीलिए वो वहां आकर उसे और वक्त मांगता है, लेकिन रिचर्ड इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर वो मर भी गया तो तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि एक लैब है और मुझे ही अपना काम खत्म करके जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना है। उसकी बातों से रॉबर्ट समझ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन रिचर्ड उसकी एक बात नहीं सुनेगा। इसके बाद हम एलिसा को देखते हैं जो उस क्रीचर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके गले में चैन बंधी थी जिसे वो खोलने में नाकाम रहती है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट पहुँच जाता है, जिसे देखकर पहले तो एलिसा डर जाती है, लेकिन बाद में डॉक्टर से समझाता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। फिर वो उसे चाबी दे देता है, इससे एलिसा क्रीचर के गले में बंधी हुई चैन खोल देती है। फिर रॉबर्ट उसे कुछ दवा देता है जिसे उस क्रीचर के पानी में मिलाना था, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उस पानी में एलिसा को नमक भी डालना पड़ेगा। इधर गिल्स लैब तक पहुंचता तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता है और उसका आईडी कार्ड मांगता है, लेकिन जब वो अपनी आईडी कार्ड दिखाता है तो उस गार्ड को शक हो जाता है क्योंकि वो एक फेक आईडी थी। इसके बाद हम एलिसा को देखते हैं जो क्रीचर को लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी जेल्डा उसे देख लेती है, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से मना करती है और समझाने की कोशिश करती है कि ये गलत है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जिसे गिल्स की गाड़ी को देखकर शक हो जाता है और वो उसे रोकने के लिए गार्ड को कॉल करता है, लेकिन गार्ड कॉल पिकअप नहीं करता क्योंकि वो गिल्स की आईडी चेक कर रहा था। फिर गार्ड समझ जाता है कि गिल्स की आईडी फेक है, इसीलिए वो उसे गन से शूट करने की धमकी देता है और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी रॉबर्ट का लगा हुआ वो रसायन बम फट जाता है, इससे वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी रॉबर्ट उस गार्ड को बेहोश होने का इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वो सब मिलकर उस क्रीचर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान वो रिचर्ड की नई गाड़ी को भी तोड़ देते हैं, हालांकि रिचर्ड उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। इधर एलिसा घर पहुंचकर उस क्रीचर को बाथटब में डालती है, लेकिन तब भी उसकी सांसें नहीं आ रही थी, इससे एलिसा काफी डर जाती है और भागकर नमक लेकर आती है और उस बाथटब में डालती है, इससे उस क्रीचर को वापस से सांस आने लगती है। ये देखकर एलिसा और गिल्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड को वो बम मिल जाता है जिससे लाइट को खराब किया गया था, और क्योंकि वो एक रेसियन डिवाइस था और क्रीचर को चुराने के लिए गिल्स ने भी फेक आईडी यूज की थी, इसीलिए उसे लगता है कि रेसियन लोगों ने वहाँ पर अटैक किया था और उस क्रीचर को चुरा कर ले गए हैं। अगले सीन में रिचर्ड एलिसा और उसकी फ्रेंड जेल्डा से पूछताछ करता है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें अजीब लगा हो, लेकिन वो दोनों इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती हैं। इसके बाद हम उस क्रीचर को देखते हैं जिसका गिल्स ध्यान रख रहा होता है, लेकिन वो सो जाता है। तभी वो क्रीचर वहाँ से निकलकर गिल्स के रूम में पहुँच जाता है। तभी उसे गिल्स की बिल्ली दिखाई देती है जो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गिल्स जाग जाता है और क्रीचर के पास पहुँचता है। वो देखता है कि वो क्रीचर उसकी बिल्ली को नोच नोच कर खा रहा है। जब वो गिल्स को देखता है तो बहुत डर जाता है, इसलिए वो उसके हाथ पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। हालांकि गिल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर जब एलिसा गिल्स के पास पहुंचती है तो उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम मेरी चिंता ना करो और जाकर उस क्रीचर को ढूंढो। फिर जब एलिसा उसे ढूंढते हुए अपने मकान मालिक के थिएटर में पहुंचती है तो वहां पर उसे वो क्रीचर मिल जाता है जो मूवी देख रहा था। फिर वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। उसके बाद वो क्रीचर गिल्स के सर और हाथ को टच करता है जहाँ पर उसे चोट लगी थी। इस दौरान उसके शरीर से अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। अगले सीन में हम एलिसा और उस क्रीचर को साथ देखते हैं। ये दोनों ही अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए ये दोनों इंटीमेट होते हैं और काफी खुश होते हैं। फिर वो टब ओपन कर देती है जिससे पूरे रूम में पानी भर जाता है और वो पानी थिएटर में गिरने लगता है, जिससे थिएटर का ओनर गिल्स के पास पहुंचता है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। फिर वो गिल्स को टब को ठीक करने के लिए कहता है, इससे गिल्स समझ जाता है कि वो पानी एलिसा के बाथरूम से आ रहा है, इसीलिए वो उसके पास पहुंचता है और वहाँ पर उसे एलिसा क्रीचर के साथ मिलती है। इसके बाद वो एलिसा को अपने बाल और हाथ पर लगी हुई चोट दिखाता है जो बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसके सर पर नए बाल निकल रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये गॉड है या नहीं, लेकिन ये स्पेशल है। फिर हम रिचर्ड को देखते हैं जिसके पास जनरल व्हाइट पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि अगर 36 घंटे में तुमने उस क्रीचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। इस बात से रिचर्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इधर एलिसा इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि उसे उस क्रीचर को वापस से नदी में छोड़ना होगा, लेकिन वो खुद से ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस क्रीचर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इससे एलिसा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अपनी फ्रेंड जेल्डा को इस बारे में बताती है। वो भी उसकी हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है और डॉक्टर रॉबर्ट को इस चीज के बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो कहीं जा रहा होता है।
इस दौरान हम देखते हैं कि रिचर्ड को भी उस पर शक होता है, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा होता है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो रशियन एजेंसी के एजेंट से मिल रहा था। वो लोग उसे धोखा देकर गन से शूट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाते, वहाँ पर छुपा हुआ रिचर्ड उन लोगों को मार देता है और रॉबर्ट के पास पहुँचता है। फिर वो उसे उस क्रीचर के बारे में पूछता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन जब रिचर्ड उसे फोर्स करता है तो वो उसे बताता है कि उस क्रीचर को कोई रशियन एजेंसी नहीं बल्कि स्वीपर लेकर गए हैं जो हमारे लैब में काम करते हैं, यानी कि एलिसा और जेल्डा। ये सुनकर रिचर्ड जेल्डा के पास पहुंचता है और उससे क्रीचर के बारे में पूछता है, लेकिन जेल्डा इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिससे वो उसे टॉर्चर करने की धमकी देता है और गुस्से से अपनी कटी हुई उंगलियों को फिर से अलग कर देता है, क्योंकि वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ये सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रिचर्ड को बता देता है कि वो क्रीचर एलिसा के पास है। उसे ये बात इसीलिए पता थी क्योंकि उसने जेल्डा को एलिसा से बात करते हुए सुना था। फिर रिचर्ड के जाने के बाद जेल्डा एलिसा को वार्न करने के लिए कॉल करती है। हालांकि उसका हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और एलिसा को रिचर्ड के बारे में बताती है। इधर रिचर्ड जब एलिसा के रूम में पहुंचता है तो वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे कैलेंडर पर नोट लिखा हुआ मिलता है, इससे वो समझता है कि एलिसा उस क्रीचर को नदी में छोड़ने वाली है। इसीलिए वो वहां पहुंच जाता है और गिल्स पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उस क्रीचर और एलिसा दोनों को गन से शूट कर देता है। तभी रिचर्ड पर गिल्स अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर एलिसा के पास पहुंचता है। उसी समय देखते ही देखते वो क्रीचर फिर से उठ खड़ा होता है और अपने घाव को ठीक कर लेता है। इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचता है जो क्रीचर को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में गॉड हो। उसी समय वो क्रीचर उस पर अटैक करके उसका गला काट देता है। इसके बाद वो एलिसा को लेकर पानी में कूद जाता है। इसके बाद वो पानी के अंदर एलिसा को किस करता है और उसके गले में बनी हुई निशान को टच करता है। इससे वो निशान मछलियों की तरह गिल्स में बदल जाता है और देखते ही देखते एलिसा को होश आ जाता है। फिर हमें गिल्स बताता है कि इसके बाद उन दोनों ने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई और इस चीज का मुझे पूरा विश्वास है। और गिल्स के इन कुछ अच्छे शब्दों से इस मूवी की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक